हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आज ये है कि मैं अभी निकल रही हूँ कॉलेज से और मुझे ये है कि आज जाके कुछ इंतज़ाम करने हैं कि मेरे घर पे आ रहे हैं गेस्ट। तो निकल रही कॉलेज से। अब ये है कि कुछ सोचा मैंने, ये है कि एक तो जो आ रही है उनसे बात है कि चिकन कढ़ाई बना लेना, तो वो तो फिर अब मैंडेटरी हो गई है, वो बनना तो अब लाजमी है। और तो हाँ, तो वो तो लाजमी हो गई है। और दूसरा ये है कि चिकन कढ़ाई बना लूँगी, बाकी मैं सोच रही हूँ क्रिस्पी चिकन बना लेती हूँ। और फ्राइड राइस की मेरे पास सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं फ्राइड राइस और वाइट मंचूरियन एक बनाती हूँ, वो ट्राई करते हैं आज, वो बनाते हैं। और बस ये है कि घर जाके काम में लगती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी ताकि जब तक शाम की कहानी हो तो मैं फ्रेश हो जाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मीठे का मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। मीठा जाके देखती हूँ अगर मेरे पास, सॉरी फॉर दिस, अगर मेरे पास पुडिंग पड़ी होती है तो बस फिर फटाफट जल्दी से वो बन जाती है, तो फिर पुडिंग बना लेते हैं जल्दी से जाकर। और अगर वो होती है तो, और अगर नहीं होती है तो फिर देखेंगे, कुछ बाजार से मंगा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। और बस निकलूँ और काम पे लगूँ। काम पे तो ऐसे नहीं, सब कुछ बनना है तो वो तो शाम में ही जल्दी जल्दी से बन जाएगा, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ ये है कि ये वाली तैयारी कर लीजिए, जैसे चाइनीज़ के लिए जो सब्जियाँ काटने का काम है ना भाई, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम टेकिंग काम है। और दूसरा मसला ये है कि जो मेरा स्लाइसर है वो ख़राब हुआ हुआ है, तो मुझे हाथ की ही मदद से करना पड़ेगा सब कुछ। फिर चले मिलते हैं घर में, फिर काम करते हुए। कॉलेज से मैं आ गई हूँ, चेंज मैंने कर लिया है और खुशी की बात ये है कि मुझे वो भी मिल गया है पुडिंग का पैकेट, तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये मुझे मिल गए, ये एक जो है वो 4 to 5 persons के लिए इनफ होता है, हम 6 से 7 लोग हैं तो इसलिए मैंने 2 पैकेट्स चाहिए थे, वो दोनों मिल गए। इससे अच्छी और क्या बात होगी। यहाँ मैंने ये दूध जो है बॉयल होने रख दिया है, दूध बॉयल होता हो जाएगा जब, तो उबलते हुए दूध में ये इसको डाल दूँगी और इसका कैरमल जो है वो मैं बोल पे फैला लेती हूँ और बस फिर इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी। इसलिए मैंने सोचा है कि बस ये मीठा बना के अभी रख दूँगी और हुआ तो सब्ज़ियाँ काट लूँगी, वरना तो बाकी काम जो है वो मैं शाम में ही करूँगी। इतनी जल्दी से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब आसान आसान सी चीज़ें हैं, फटाफट बन जाएंगी। हाँ ये है कि अभी घर वर साफ कर लूँगी हाउस हेल्प के साथ मिलके, और उसके बाद ये है कि चिकन बाहर निकाल के रख दूँगी ताकि फिर वो जब मैं काम करना शुरू हूँ तो वो मुझे आराम से आसानी से यूज़ करने में, बस तो फिर साथ साथ काम करेंगे। ये हो गई भाई मेरी पुडिंग तैयार, और ये मैंने कैरेमल थोड़ा सा फैलाया तो है बोल में, थोड़ा और फैलाना चाह रही हूँ। ये तो चलो उस वक्त ही देखा जाएगा जो कुछ होगा, सल्लल्लाहु ताला सही हो जाए सब कुछ। आओ डिजास्टर, ये आ गई इसमें और ये हो गया डिजास्टर। इसे करते हैं साफ। कुछ ना कुछ होता जरूर है। फिलहाल ये हो गई, अब ये रखा जाएगा ठंडा होने, अल्लाह करे कि ये जम जाए और सही हो जाए। अगर ये सही हो गई तो ये हम मेहमानों को प्रेजेंट कर देंगे, और अगर नहीं बनी सही तो फिर हम इसे गायब कर देंगे। 6 hours later, अब शाम हो गई है
अब मैं उठ गई हूँ सो के, थोड़ा आराम करके अब मैंने काम शुरू किया है। अभी मैंने कढ़ाई के लिए और मंचूरियन के लिए चिकन ना वॉश की है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं तैयारी शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने अपनी कढ़ाई की चिकन जो है धो ली है, और एक कंटेनर में मैंने पानी, सिरका और नमक ये किया। अब इसको मैंने डिसॉल्व करके इसमें ये जो चिकन है 15-20 मिनट के लिए डिप कर दूँगी। ये हो गई डिप। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए, बस 15-20 मिनट के लिए मंजर आम से गायब कर दूँगी। इतने में मैं जो चिकन फ्राई करनी है मुझे, इसके लिए चिकन वॉश करती हूँ। ये मैंने वाइट मंचूरियन के लिए चिकन मैरिनेट करने के लिए इसमें अंडा, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लोर और नमक ये डाला है। अब इस मैरिनेट करके रख दूँगी मैं। इधर ये चिकन जो फ्राई करनी है इसके लिए सिरका, पानी, नमक और हरी मिर्च ये डाल के इसे डिप करके रख दिया। ये हो गई मैरिनेशन डन। इसे बस 15-20 मिनट रखूँगी, इसके बाद इसे फ्राई कर दूँगी। ये मैंने उसमें से ड्रेन कर लिया पानी। अब थोड़ी सी तेज आंच करके इसको इतना करेंगे कि इसका रंग जो है वो चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए। हमारी पाकिस्तानी जबान में ब्राउन। हाँ, कढ़ाई की चिकन हो रही है, इसी देर हम मंचूरियन की चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। ये हो गई हमारी चिकन भी गोल्डन है ना, बिल्कुल ऐसा। और ये डल गया लहसुन और ये डल गया अदरक। अदरक मिक्स करते हैं। अपने रखेंगे हम इसमें टमाटर, और आप अब देंगे दम। दम नहीं, अब इसको देंगे ढक, इसका ढककर ये इसको देंगे ढक ताकि थोड़े से टमाटर गले, फिर हम इसको टमाटर को मिक्स कर देंगे। यहाँ से मैं उतारूंगी टमाटर की स्किन इस तरह से। वाह, जैसे कसाई बकरे की खाल नहीं उतार रहे हैं। हाँ, टमाटर की ऐसी उतार रही है, देखें। गुड, अब इसी तरह से हम सारे को उतार लेंगे और टमाटर को गलने के लिए, मैश होने के लिए रख देंगे। मैं जो चिकन फ्राई करनी है इसमें डालूंगी ये नमक, थोड़ी सी डालूंगी ये कुटी हुई मिर्च, ये डलेगी काली मिर्च डली सफेद मिर्च, ये डला थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा ये डाल दूंगी। ये क्या है? मस्टर्ड पेस्ट। हनी मस्टर्ड तो नहीं, सिर्फ मस्टर्ड है। ग्रोसरी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे कर लो, अल्लाह के वास्ते कर लो। अब थोड़ा सा ये डालूंगी, ये मेरा फेवरेट सॉस नैंडोस पेरी पेरी बाइट। हम भी पेरी पेरी चिकन बर्गर खा रहे हैं। हाँ, वो भी खाते हैं। ये हो गया पेरी पेरी। मैंने घर में तो ये डिप हुई भी है तो उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाल देते हैं सोया सॉस और चिली सॉस। अब इसको करते हैं मैरिनेट।
इसे मैरिनेट करके रख लेंगे बस, फिर इसको कोटिंग करके फ्राई करेंगे आखिर में। ठीक है, वैसे मिक्स कर लें। अब बस कढ़ाई में भी टमाटर भुनने पे आ रहे हैं, तो ज़रा नमक डाल लेते हैं। काली मिर्च, लास्ट जिसका गरम मसाला, और थोड़ा सा इसको भून के फिर मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्चें। ये डाल देते हैं इसमें हरी मिर्चें। अब ज्यादा ना चलाऊं क्योंकि फिर चिकन टूट रहा है। Few moments later. अब अपडेट ये है कि मैं हो चुकी हूँ रेडी मेहमानों के आने के लिए, और मेहमानों का मैसेज आ गया था कि हम निकल रहे हैं, तो फिर बच गई थी भगदड़। उस चक्कर में फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं दिखाती हूँ मेरा मंचूरियन कढ़ाई और फ्राइड राइस किस स्टेज में। ये रही भाई कढ़ाई, ये आ गया मंचूरियन, और ये आ गए फ्राइड राइस, और ये बस अब होने वाला है इसका काम, इसको भी फ्राई करने वाले हैं हम। किचन ऑलमोस्ट सिमटा हुआ है थैंक्स टू मजीद भाई। अब आ गई है भाई चिकन की कोटिंग की बारी। तो इसमें मैंने लिया है मैदा, और मैदे में मिलाया है मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च। अब मैं इन सबको एक दफ़ा ड्राई बैटर में अच्छे से करके रखूंगी, उसके बाद इस चिल वाटर में डिप करके फिर दोबारा इनको इस तरह से करके फ्राई करेंगे। ये मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि अगर मेहमान आ गए तो ऑब्वियसली फिर भगदड़ में होगा, फिर रह जाएगा। तो इसलिए फिर कुछ रह ना जाए इसमें पहले ही बता दिया जाए। ठीक है ना मजीद भाई? जी गुड हो गया, गुड हो गया। अब इस तरह से इसे मैंने डाला चिल वाटर में। अब इस पर दोबारा यही जो ड्राई बैटर है, थोड़ी गंदगी हो रही है क्योंकि मेरे पास प्लेट छोटी है और बड़ा बर्तन मैंने निकालने की तकलीफ खुद नहीं की है, तो इसलिए अब मुझे सफाई करने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। और इसे हमने बहुत ज्यादा आंच पे नहीं, ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे करना है, और इसे हम कवर करके करेंगे क्योंकि हमारी जो चिकन है वो पहले हमने ना बॉइल की है ना कुछ किया, तो इसे अच्छे से अंदर से पकना है। इस वजह से हमने इसे क्या करना है, अच्छे से कवर करके मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। Later that same evening. भाई हो गई दावत। उस वक्त मैंने बताया था ना कि भगदड़ शुरू हो गई है, तो बस वही भगदड़ हमारी शुरू हो गई थी। उस भगदड़ में खाना वो मैंने कोटिंग करती हुई दिखाती थी, बस वो फ्राई किया, बाकी सब चीज़ों को तो मैंने आपके दिखाई दिया था। बस फिर खाना वाना लगाया, उस वक्त शूट क्यों नहीं किया हुई कि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। सही सही, मैं सब समझ रही हूँ। नहीं खा रही, नहीं खा रही, आप बेफिक्र रहे। तो बस आज का दिन यही रहा, लेकिन ये है कि अच्छा हो गया ना सब खाना, अच्छा बना था। इतना अच्छा बना था कि इतना पेट भर के खाया कि इसकी गुंजाइश रह गई है, इससे समझ जाए आप। और पुडिंग भी सही निकल आई थी, अल्लाह का शुक्र है। बस वो मैंने उसको क्या कहें, कैप्चर करना मैं भूल गई, ताकि ये है कि अच्छा हो गया। अब ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।